हाँ जी बेटा, अब बेटा मेरे पास जो है, हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल लिखा था, दैट इज Z1 + Z2 मेरे पास हो गए इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 + Z2। बेटा ये हमेशा तभी होता है अगर मेरे पास जो गए ऑर्गुमेंट दोनों का सेम हो, अदरवाइज यहाँ इनइक्वालिटी आती है। ये आपको रिजल्ट ही याद रखना है कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 + मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 तभी होता है ओनली इफ ऑर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू ऑर्गुमेंट ऑफ Z2, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट देखिए बेटा, दैट इज क्वेश्चन, इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड रियल ऑफ Z इक्वल टू 0, देन मेरे पास हो गए रियल ऑफ Z स्क्वायर इज 0, रियल ऑफ Z स्क्वायर इज इमेजिनरी ऑफ Z स्क्वायर, इमेजिनरी ऑफ Z स्क्वायर इज 0 और नेक्स्ट ऑप्शन नन है। हाँ जी, सोचिए कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट कि मेरे पास जो रियल पार्ट है Z का वो 0 के इक्वल है, तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए ना, यस रिद्धि बता सकते हो आंसर? यस रिद्धि बताइए। मैम सी ऑप्शन बिल्कुल, कैसे सोचा आपने? मैम, वो जब उसकी स्केयरिंग हो जाएगी तो आयोटा कट जाएगा, तो फिर रियल और इमेजिनरी सेम हो जाए। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि जब हम यहां पर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, तो दैट मींस लेट इट बी लाइक दिस। अब मुझे हर जगह जेड स्केयर की बात कर रहे हैं, यानी अगर इसका स्केयर करना है तो ये -b स्केयर हो गया, तो 100% इमेजिनरी पार्ट ही घूम गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए या तो ऑरली सोच लो या लेट करके देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी गुड रिद्धि। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है, नाउ जस्ट थिंक ओवर दिस क्वेश्चन। अब आप लोगों से ही पूछूंगी मैं सारे क्वेश्चंस। जेड स्क्वायर इज माइनस आयोटा, देन नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके नाउ बेटा, द एम्पलीट्यूड मेरे पास हो गए, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन π/π + आयोटा 1 - cos π/5 इज ऑप्शन 2π/5, बी π/5, सी ऑप्शन मेरे पास हो गए π/15, डी ऑप्शन π/ मेरे पास हो गए 10। ओके अच्छा, मैं एक बात कह दूं, कई बच्चे बाद में कहते हैं मैम ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बेटा सिलेबस में नहीं है, बट हम ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, तो दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस जो जितने भी ट्रिग्नो के साथ कोरिलेटेड है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया गया ना, तो दैट मे कम। ठीक है, तो ये चीज नहीं सोचनी है। मैं बार बार कह रही हूं स्क्वायर रूट नहीं आना, पोलर फॉर्म नहीं आना, बट एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड सेपरेटली कैलकुलेट करना हमारा पार्ट है सिलेबस। ओके जी, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, प्लीज टेल मी, हरी अब सोचिए।
आई हैव गिवन यू द टाइम टू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन. जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी सोचिए, कोई बता सकता है और मैं बताऊं? चलिए लेट अस सी, मैं बताती हूँ. आई एम रबिंग दीज ऑप्शंस. चलो इधर कर देते हैं. मेरे पास देखिए बेटा, मैं क्या करूंगी, साइन थीटा जो है इसको लिख सकती हूँ टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल कर सकती हूँ, प्लस आयोटा वन माइनस कॉस थीटा इसको कैसे लिख सकती हूँ. हाउ आई विल राइट हियर, टू साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. मैंने ऐसा क्यों किया, इन ऑर्डर टू मेक एंगल सेम. मुझे पता है जब मैंने एम्पलीट्यूड बताना होता है तो मुझे अंदर सिज फॉर्म में लेके आना है. तो अब क्लियर कट है, मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, टू साइन पाई बाय टेन और कॉस पाई बाय टेन प्लस आयोटा साइन पाई बाय टेन. देखो थीटा आ गया सेम, यही मेरा एम्पलीट्यूड होता है ना, कहते हो ना इसी को. तो दैट मींस आंसर मेरा क्या आएगा, दैट इज डी ऑप्शन पाई बाय टेन. क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट बेटा यहां पर किसी को? चले आगे, बाकी बच्चे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. गर्व गुन ज्योत गुरसीरत जपन भी करता है, जतिन युवराज है ना, विरति अभे सबका नाम ले रही हूं, रिस्पॉन्ड किया करो. उदयवीर सिंह है ना, माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई बेटा. आदित्य जोशी चिराग ओके वेरी गुड वेरी गुड. इससे मुझे ये पता चलता है कि आप सुन रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, ठीक है ना, सिर्फ यही. अदरवाइज मेरे को क्या पता, मेरे अकॉर्डिंगली आप क्योंकि वीडियो भी ऑन नहीं करते हो तो आप सोए हुए हो, नींद भी आ जाती है जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो. ओके चलिए बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, अब द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जस्ट सी हियर, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज ए वन बी टू सी जीरो डी इनफाइनाइट. जस्ट थिंक ओवर इट. जल्दी जल्दी ट्राई टू पार्टिसिपेट बेटा, ट्राई टू पार्टिसिपेट. जस्ट थिंक ओवर इट. जल्दी जल्दी हाँ जी ओके. ओनली रिद्धि, बाकी बच्चे? सिर्फ रिद्धि ने कॉन्ट्रैक्ट लिया मुझे लगता है पढ़ने का. हाँ जी रिद्धि बताइए बेटा. मैम इनफाइनाइट. यस वेरी गुड. हाउ यू थिंक दिस की इनफाइनाइट आएगा? मैम बिकॉज अगर हम जेड का स्क्वायर करेंगे तो फिर आयोटा वाला पार्ट नहीं होगा, और मतलब आयोटा जो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और फिर वो रियल वाले पार्ट से आ जाएंगे, तो उसका आंसर हमेशा इनफिनिटी रहेगा क्योंकि हमें वैल्यू भी नहीं पता इसकी. बेटा आप कह रही हो कि रियल वाले पार्ट रह जाएंगे, रॉन्ग बेटा. एक इमेजिनरी, देखो यहाँ रियल पार्ट रह सकता है. जरा यहाँ सोचिए बेटा, अगर मेरे पास z है a प्लस आयोटा b, मैं z स्क्वायर करती हूँ
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आयोटा, आयोटा तो रह रहा पुत्र यहां, रीजन इज रॉन्ग आपका। चलो मैं आपको करके दिखाती हूं, लेट अस सी कि मैं कैसे कंक्लूड कर रही हूं। जब भी ऐसे कभी इक्वेशन आए ना मैग्नीट्यूड का स्केयर आए, तो बेटा बेस्ट मेथड क्या होता है, आपने जेड स्केयर लिखा तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड की जगह पे जेड और जेड कॉन्जुगेट लिख, ओके मैंने क्या किया जेड कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है, आइदर जेड इज जीरो और z प्लस z कॉन्जुगेट इज जीरो। अब जरा देखना बेटा, जब मेरे पास है, हाँ जी z जीरो, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो कर दिया ना, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, अगर मैं यहां करूं, यहां से देखो z प्लस z कॉन्जुगेट, तो ये हमेशा क्या आएगा, टू टाइम्स रियल ऑफ z आएगा, क्योंकि इमेजिनरी खत्म हो गया, इक्वल टू जीरो, दैट मींस रियल ऑफ z मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दैट मींस अगर रियल ऑफ z जीरो आ गया, तो दैट मींस वो क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है ना, मान लीजिए मैंने z को लिया था a प्लस आयोटा b, यानी z मेरे पास क्या आ गया, आयोटा b। अब b की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज हो सकती है ना, रिद्धि ने आंसर सही बताया, उसने उल्टा बोल दिया, उसने बस यहां तक कैलकुलेट किया, कहा मैम रियल जीरो आ गया, बट रियल पार्ट जीरो आया तो z बनेगा तो इमेजिनरी ना, क्योंकि रियल पार्ट जीरो आया, तो वो अगर b की वैल्यू टू है, क्योंकि b इज अ रियल नंबर है ना, टू है, थ्री है, टू बाय फाइव है, फाइव बाय सिक्स है, कुछ भी है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बी देर आर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाई वी हैव टू टिक द डी पार्ट। ओके क्लियर रिद्धि, मिस्टेक पता चल गई बेटा। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स बेटा, देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस आयोटा फाइव, देन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 19, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब बेटा चाहे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ये आप पे है, आपने किस मेथड से लगाना। सबसे पहला काम तो स्केयरिंग वाला तो होता ही होता है ना, क्योंकि यहां से हम एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो दैट मीन, और फिर क्या करते हैं, अंडर रूट वर्स आयोटा वाली टर्म एक साइड पे, आयोटा वाली टर्म एक साइड पे की, तो मेरे पास क्या आ गया, स्केयरिंग किया, हाँ जी, तो ए स्केयर मेरे पास बी स्केयर माइनस फोर एक्स, और इधर मेरे पास क्या आ गया माइनस 25, ये सारी टर्म को उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या बन गया एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स, 25 प्लस 4 मेरे पास कितना बन गया 29 इक्वल टू जीरो। अब आपकी मर्जी है, आप इसको इससे डिवाइड कर दो और वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रिमाइंडर बचता है दैट इज द आंसर, उसमें x आ रहा है तो x की वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। कैसे बेटा देखिए, मेरे पास जो है ये वाली टर्म है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 19। अब मैंने कोई ऐसे x कॉमन लेना है पहली तीन टर्म में से और ये चीज बनानी है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ये टर्म जीरो बन जाती है सर, पहले तो x कॉमन ले लो। जब मैंने x कॉमन लिया, अंदर चुपचाप ये लिख दो, ये देखो
बेस्ट तरीका होता है, अंदर ये लिख दो। अब आपने क्या लिखा, एक्स क्यूब आपके पास क्या है, बिल्कुल है, यहां आपने बनाया माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको कितना चाहिए था माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मेरे पास जो है व्हाट यू नीड आगे, माइनस प्लस 29 एक्स यूज कर लिया, 33 एक्स चाहिए था, कितना और चाहिए 4x, तो प्लस मेरे पास हो गए 4x लिख दो, और ये माइनस 19 ऐसे जैसे काम हो गए। अब आप फिर क्या करोगे सेकंड वाले में बेटा, सेकंड वाले में व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वेट, किसमें फिर ये बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो जीरो ही है, ये तो खत्म ही हो जाए, काम खत्म। अब इसमें भी ये बनाने की कोशिश करो, अगर मैं देखूं मैं माइनस कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, अब मुझे चाहिए प्लस 29। बेसिकली अगर आप देखो मैंने माइनस 29 किया तो प्लस 29 माइनस 19, ठीक है, ये भी सारा जीरो हो जाना है, बचना क्या ये आंसर इज 10, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन से कर लो, जितना टाइम इधर लगता है उतना टाइम उधर लगता है, दैट इज अप टू यू हाउ यू मैनेज इट। सबको क्लियर है ये टाइम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, चले आगे, ठीक है, चलिए गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये, लेट अस सी सॉल्व दिस, देखिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व दिस, 1/√3 प्लस आयोटा पावर 24, ए 2/24, बी -2/24, सी 1/2/24, तीन ऑप्शन है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले रैशनलाइज करोगे बेटा, है ना, जब मैंने रैशनलाइज किया √3 मेरे पास प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बेटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आता माइनस बी स्क्वायर है, बट आयोटा का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इसकी पावर 24, तो बेटा √3 माइनस आयोटा मेरे पास नीचे आया 2 की पावर 24 मेरे पास हो गए, तो बेटा मेरे पास जो है यहां पर ना एक स्टेटमेंट में मिसिंग चीज है, यहां आना चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बजाय भी यहां पर स्टेटमेंट में मिसिंग है बेटा, द टर्म इज मिसिंग मेरे पास जो है, दे हैव टू राइट हियर, कॉन्स्टेंट टर्म भी हम नहीं लिख सकते, एक्चुअली ऑप्शन आप डी ही टिक करोगे, डी यू हैव टू डी टिक करोगे बेटा ऑप्शन, ओके, बुक में जो है यहां पर देर इज अ मिस प्रिंट इन दिस क्वेश्चन, ओके अच्छा अगर मान लीजिए इसको एक और तरीके से, यस यस वेट वेट वेट, देयर इज वन मोर मेथड टू सॉल्व दिस टू गेट दिस आंसर, है ना, वो क्या है आई एम टेलिंग यू, जस्ट सी, कई बार आंसर को मैच करने के लिए हमें कोई और मेथड भी अप्लाई करना पड़ता है, लेट अस सी दैट मेथड। देखिए मैं क्या करने लगी हूं, मेरे पास ये स्टेटमेंट है, मैंने ये देखा आंसर में आयोटा वाली कोई चीज नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा था, तो व्हाट आई डिड, मैंने आयोटा से पहले मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे को देखना जरा, आयोटा ऊपर वाला लिख दिया, और मेरे पास हो गए यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं -1 बन गया आयोटा स्क्वायर, और मेरे पास बन गया प्लस √3 आयोटा,
ओके। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पर टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया। पता क्यों किया, मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि आंसर में मेरा जो आंसर बन रहा है ना, टू की पावर में कुछ बन रहा है, सो दैट्स वाई। ठीक है, अब देखो जरा इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पर जो है मैं यूज कर सकती हूँ कॉन्सेप्ट को, देखिए कैसे, क्योंकि ये मुझे वैल्यू पता थी, ये एक्स्ट्रा में जो है बच्चे करते हैं। तो अब देखना मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया आयोटा बाय टू, इसको मैंने 24 कर दिया, ठीक है, और 2 ओवर इसकी जगह पे ओमेगा लिख सकती हूँ, ओमेगा की पावर 24। अब मैं यहां पर चेंज कर दूंगी, ओमेगा क्यूब की पावर 8, 24 को ब्रेक कर सकती हूँ, दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 1 की पावर 8 आंसर 1, ये 1 हो गया, ये 2 की पावर 24 हो गया। ऐसे ही यहां पर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी 1 हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ना, तो कैलकुलेशन हो जाएंगी, तब चेक करना कि आंसर क्या बनता है। ओके क्लियर, ओके, मैंने पूरा नहीं निकाला, डू द कैलकुलेशन कंप्लीट करो। यस काव्या, मैम आपने डी ऑप्शन क्या लिखी थी लास्ट में, लिखी थी बेटा मैंने, नहीं अब डिपेंडिंग अपॉन, अगर मैं दूसरे मेथड से कर रही हूँ ना, तो मेरा आंसर मैच कर रहा है, मेरा आंसर मैच कर रहा है, ओके, तो दैट्स व्हाई कई बार होता है एक मेथड से नहीं मैच कर रहा, ट्राई टू डू इट बाय, क्योंकि पेपर में नन ऑप्शन नहीं आएगी, तो दैट मींस आपका आंसर अगर कई बार आप श्योर हो कि इससे हो रहा है बट आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर सबको बात, यस, ओके ओके, गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा।